प्रॉब्लम वही है फिर से कि यहाँ पे 2x है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे पुट करना चाहिए पुट t इक्वल्स टू 2x। अच्छा एक चीज और मैंने बच्चों को बोली है, जब भी आप यहाँ पे लिमिट दे रखी है बेटा, कितनी लिमिट दे रखी है, लोअर लिमिट होता है, यहाँ पे लोअर लिमिट 1 दे रखा है, अपर लिमिट दे रखा है 2, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको लिमिट्स भी चेंज करनी है, जब भी आप सब्ट्यूशन मेथड ला रहे हो तो ट्राई टू चेंज द लिमिट्स आल्सो। हालांकि लिमिट्स को चेंज किए बिना हो जाता है, बट बिलीव मी वहां पे गलतियों के चांसेस ज्यादा होते हैं, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप लिमिट चेंज करो, सबको पता है t इक्वल्स टू 2x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, dt by dx क्या आएगा, dt by dx आएगा बेटा 2, सो dx क्या आएगा, dx आएगा बेटा यहाँ से हाफ dt इक्वल्स टू dx। सबको पता है दो चीजें यूज होंगी, एक ये और एक ये, बट साथ में हम लिमिट्स का भी यूज करेंगे बेटा, ठीक है, साथ में हम लिमिट्स का भी यूज करेंगे। लिमिट कैसे यूज करेंगे देखना भाई, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये तो मैंने गलत किया था। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, लिमिट जो लिमिट्स दी हुई है बेटा, दैट इज ऑल अबाउट x, कैसे पता लगेगा x के बारे में, यहाँ पे देखो क्या लिखा है dx, तो ये जो लिमिट्स है ये एक्चुअली x के बारे में होती है, ये x इज फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे when x is tending to 1, तो अगर x 1 है तो t क्या होगा, यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा, x की जगह 1 डाल दो, t कितना आ गया 2 आ गया, एंड when x is tending to, x कितना था 2, ये रहा x, ठीक है। अपर लिमिट क्या है x की 2, तो बेटा फिर से यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे t tends to 2 to the 4, ठीक है, ओके। सो लिमिट चेंज कर देंगे बेटा, हमेशा लिमिट चेंज किया करो सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है, बेटर तरीका होता है। 2 से 4 हो गया, ध्यान देंगे भाई सब लोग, e की पावर, यहाँ पे जो 2x लिखा हुआ, 2x की क्या लिखूंगा t, और dx की क्या लिखूंगा, ये रहा dx, हाफ dt, dt लिख दिया, हाफ मैंने बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या, 1/x बेटा, क्या मुझे x लिखना चाहिए, आप खुद बताओ, बिल्कुल, क्योंकि अगर एक बार t में आ गया क्वेश्चन तो अब आपका आपकी कोशिश ये होगी कि सब कुछ t में आ जाए, तो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू क्या आएगी t by 2, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम t by 2 लिखने वाले हैं इस ब्रैकेट में, ठीक है, ये t by, यहाँ पे t by, ठीक है, जो भी आएगा ध्यान देंगे, ऐसी कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, हाफ 2 से 4, ये बेटा 2 by t हो गया, माइनस बेटा ये जो भी है 1 by 2 t square by 4 हो गया, है ना, ये कट गया 2 आ गया, 2 पर आ जाएगा 2 by t square, e की पावर t, ठीक है। आगे कुछ नहीं बचा, जो आपको 2 दिख रहा है ना बेटा, आप 2 कॉमन निकालो, ठीक है, 1 by 2 पहले से आपने 2 बाहर निकाल दिया, e की पावर t बाद में मल्टीप्लाई करो, जब चाहे पहले मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पे 1 by t माइनस 1 by t स्क्वायर बचा ना, पीछे प्लस लिख दो, कोई दिक्कत है क्या, करने का तरीका यही होगा, ध्यान रखना ऐसे ही करना, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलती कर देते हैं, स्पेशली कब, जब x की जगह माइनस x हो, x की जगह 2x हो, x की जगह 3x हो, पावर में, e की पावर में, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, क्या गया e by t, यहाँ पे 1 by t प्लस माइनस 1 by t स्क्वायर dt, सबको बताइए ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव, ठीक है। सो क्या आएगा, e की पावर t इनटू में 1 by t, है ना। लेकिन बेटा यहाँ पे लिमिट्स दे रखी है और आपने लिमिट्स चेंज करी भी है, क्योंकि मैं आपको ये एडवाइस करूंगा हमेशा लिमिट्स चेंज करें सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है, इट इज अ बेटर ऑप्शन, बेटर वे। यहाँ पे क्या है लिमिट्स, हाँ जी लिमिट्स क्या है, ये फॉर्मूला था, अरे फॉर्मूले में प्लस सी भी था, बट मैंने आपको बोला ये इससे क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में सी नहीं आता है, ठीक है, जस्ट इंटीग्रेट करो, सी नहीं लिखेंगे, और लिमिट्स लिख दो 2 to 4 जो भी लिमिट्स है, ठीक है। ये लोअर लिमिट यहाँ पे कितनी है, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट क्या है 4 है, तो सबसे पहले इसमें अपर लिमिट डालो पूरे में, टी की जगह 4 डाल दिया, फिर टी की जगह 2 डाल दिया, ठीक है। ये हमने पहले अपर लिमिट डाला, ये आ गया, लोअर लिमिट डाला, ये आ गया, दो के बीच में माइनस, ठीक है। सो गाइज यही आंसर है, ज्यादा से आप क्या करोगे, e square by 2 कॉमन निकाल लो, e square by 2 बच गया माइनस 1, बेटा यही आंसर है, बिल्कुल आप एलसीएम लेके भी लिख कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, और भी आंसर हो सकते हैं, कुछ बच्चे इसे आंसर में ऐसे भी लिख सकते हैं फोर माइनस टू ई स्क्वायर, ठीक है ये भी आंसर हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी चीजें होती हैं, ठीक है किसी का आंसर ये भी आ सकता है, ये सब एक ही तो आंसर है, कोई अलग थोड़ी ना, ये और ये सब सेम है, ठीक है। अरे किसी को डाउट है क्या? आएगा नहीं वैसे कभी, ये इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, पहले आता था इवेलुएट दिस एज लिमिट ऑफ सम, अब नहीं आएगा, अब आएगा भी तो सिंपली सॉल्व करना आएगा, तो सिंपली सॉल्व करना आता है सबको, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई बार एक्स का ई बार एक्स ही होता है, वैसे प्लस सी भी होता है, हम प्लस सी नहीं लिखते हैं, ठीक है। और लिमिट्स क्या है, माइनस वन से वन, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करो एक्स ये डाल दिया, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे डाल दिया, फिर दोनों के बीच में माइनस, लिखना ना भूले, तो गाइस दिस इज द आंसर, ठीक है बेटा। मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट कर रहा हूँ आज, ठीक है, आगे की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, अगली तीन क्लास, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। नो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, आपने लास्ट क्लास में 9th और 10th एक्सरसाइज करी थी, होमवर्क था, ठीक है। अभी जो है 11th एक्सरसाइज है, इसे मैं कम से कम तीन क्लास में खत्म करूंगा, ठीक है, चाहूं तो एक क्लास में भी खत्म कर दूं, लेकिन तीन क्लास लगाऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, पर आना ही है, ध्यान देना भाई सब लोग। अगर मैंने यहां लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, यहां पे लिखा वन से टू, सब लोगों को आता है ये हुआ एक्स क्यूब बाय थ्री, है ना, लिमिट डालोगे वन से टू, सबसे पहले अपर लिमिट डालोगे, फिर लोअर लिमिट डालोगे, और बीच में माइनस, जो भी आएगा 8/3 माइनस 1/3, आंसर विल बी 7/3। यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया होता, ये अलग क्वेश्चन है, तो हमें लग रहा है कि ये अलग है, बट दोनों की वैल्यू सेम आएगी, कैसे आप करके देखें, क्योंकि होगा क्या, अल्टीमेटली फंक्शन वही है, यहाँ पे जो फंक्शन है वो वही है, बस वेरिएबल का नाम चेंज हुआ है बेटा, इधर समझ ले पहले, ठीक है। ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन में कोई भी फर्क नहीं है, पहले एक्स स्क्वायर था, अब टी स्क्वायर है, बस वेरिएबल का नाम ही चेंज हुआ है, लिमिट्स भी सेम है, तो ऐसे केस में आंसर सेम आएगा, रीजन बीइंग देखो करके दिखाता हूं पूरा, यह आ गया, अब फंक्शन वही है और वैल्यूज भी वही है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो जब पुट करोगे तो अल्टीमेटली बिल्कुल सेम ही आएगा, सेम आ जाएगा 7/3, है ना भाई, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, अगर फंक्शन सेम है और लिमिट सेम है, तो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो, एक्स हो या टी हो या यू हो या जेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इनफैक्ट अगर मैं इस तरीके ये भी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे के सारे बराबर है। तो प्रॉपर्टी नंबर वन यही है बेटा, सुनना, प्रॉपर्टी नंबर वन, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, बेटा हम किसी भी स्टेप में डेफिनेट इंटीग्रल के वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं, मतलब ए से बी एक्स के लिए टी लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का नाम क्या है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, बस फंक्शन सेम होना चाहिए, जैसा कि यहां पे लिखा भी मैंने फंक्शन एफ ही है, यहां पे भी फंक्शन एफ ही है, और लिमिट सेम होने चाहिए, और लिमिट्स सेम होने चाहिए, ए है यहां भी ए है ना, और यहां पे बी है, यहां भी बी है, दिख रहा है भाई, तो ये प्रॉपर्टी नंबर वन है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में जब आपका मन करेगा आप वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं किसी भी स्टेप में, ठीक है भाई, क्लियर है, ओके। मान लो कि क्वेश्चन है, सडनली किसी के पास क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, साइन टी, साइन क्यूब टी डी टी, लिख दिया वन से टू, मेरा जब मन करेगा मैं इसको एक्स लिख दूंगा, आप ये नहीं बोलोगे सर एक्स कहां से आया, सदमा की बात, क्लियर है, तो यूज भी दिखा रहा हूं कैसे मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, सो सिंपली पहले टी लिखा था, मैंने टी लिखे एक्स लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई, आगे बढ़ूंगा, ओके।
बेटा प्रॉपर्टी नंबर टू ध्यान देंगे सब लोग, पहले एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बाद में प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा अगर लेट्स से ये ए है ये बी है एफ एक्स डी एक्स, मान लो अगर इसका इंटीग्रेशन बेटा ये था, कैपिटल एफ लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसी में लिमिट डाल दोगे, क्या डाल दोगे, ए से बी डाल दोगे, सबसे पहले क्या डालोगे, क्या डालोगे सबसे पहले, बी अपर लिमिट, फिर ठीक है भाई। अगर इसकी जगह ये होता बी से एफ एक्स डी एक्स, आपको तो पता है ना भाई इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन तो आपको ऑलरेडी पता है क्या है, ये ठीक है, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको कि ऐसा अगर आपको दिया हुआ है, अगर इंटीग्रेशन पता है आपको, उसी फंक्शन में डालेंगे ना ए और बी, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है इसका इंटीग्रेशन तो वही है, आप क्या लिख दोगे एफ ऑफ एक्स, बट लिमिट्स क्या है, पहले ए से बी था, आप क्या है बी से ए है, सबसे पहले क्या लिमिट पुट करेंगे बेटा, एक्स की जगह ए, फिर एक्स की जगह बी, ठीक है। अच्छा दोनों में फर्क है, हल्का सा फर्क है, आपको सोचो ये 100 माइनस 50 है तो ये 50 माइनस 100 हो गया ना, सो दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ठीक है, दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, मतलब अगर इसकी वैल्यू एक्स आ गई तो इसकी वैल्यू माइनस एक्स आएगी ना, हमेशा मैंने बोला है अगर ए माइनस बी, अगर है ना, अगर बी माइनस ए की वैल्यू एक्स है तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस एक्स, ठीक है, सिंपल सी बात है, दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो रिलेशन क्या निकला, ध्यान से सुनना भाई, रिलेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, अगर आपने इसके लिमिट्स को इंटरचेंज किया, इनकी लिमिट्स को इंटरचेंज किया इन दोनों को ए और बी को, तो ये बन जाएगा, है ना, और आपको पता है अगर इसकी वैल्यू 100 आएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस 100 आएगी, तो इक्वल बनाने के लिए क्या करूंगा, एक माइनस साइन लगा दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप कभी भी किसी भी स्टेप में डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप देख सकते हो क्या कर दिया है, ए से बी था बी से ए कर दिया है, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से यूज करेंगे, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर टू, ओके। हो सकता है एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी नंबर नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रॉपर्टी समझनी है, ठीक है, ओके। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल के तौर पे सपोज यहां पे लिखा है 0 से पाई साइन की पावर 3x dx, ठीक है, अगले स्टेप में किसी भी वजह से अगर आपको लिमिट में नीचे पाई चाहिए ऊपर 0 चाहिए तो आप उल्टा करोगे, जब आप उल्टा करोगे तो इक्वल्स क्या इक्वल्स लिखूं माइनस का लिख दे, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी है छोटी सी, याद रहेगी, आसान सी है, ठीक है। आगे आ रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर थ्री पे, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर थ्री, ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है, हाँ, प्रॉपर्टी नंबर थ्री है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, मैं इनकी एक्सप्लेनेशन हमेशा देता हूं बेटा, लास्ट ईयर भी दी थी मैंने, और आपको पता है लास्ट ईयर एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था ये प्रॉपर्टी आई कैसे, पहली बार आया था लास्ट ईयर ऐसा सडनली, मतलब 25 साल में पहली बार आया था कि कभी टीचर भी नहीं सोचता होगा कि ये प्रॉपर्टी पूछ लेंगे ये कैसे आएगा, ठीक है, और वो आ गया लास्ट ईयर, ठीक है। क्या होता है, देखो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या है सुन लो भाई, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, सबको दिख रहा है इंटीग्रेशन का वेरिएबल x है ना, लेकिन ये जो x है ये प्रॉपर्टी बोलता है आप इस x फंक्शन में x की जगह, फंक्शन में x की जगह आप लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, सही प्रॉपर्टी है, कैसे सही है वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, इसका प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, इसका प्रूफ आ गया था हाँ पेपर, ठीक है, जनरली क्वेश्चंस आते थे हमेशा, लेकिन इसका प्रूफ आ गया था, ठीक है, देखना भाई, पहले यूज करना सिखा देता हूं,
प्रूफ बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 0 π/6 से π/3, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है साइन की पावर, साइन की पावर डीएक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप देखो इसको सॉल्व कर सकते हो, बिना प्रॉपर्टीज के भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं बोलो हमें प्रॉपर्टीज आगे करनी है, यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व इट, यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व इट, ठीक है। तो बेटा मैं हमेशा आपको बोलता आया हूं कि आप ना कभी भी आई नाम दे दिया करो। मैंने तो इंडेफिनेट में भी आपको बोला था कि आप किसी भी इंटीग्रल का नाम आई रख सकते हो, और इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल में तो ये जरूरी है कि आपको आई नाम रखना ही है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसकी हेल्प से होंगे, ठीक है। वैसे आप आदत डाली लो, हर इंटीग्रल का नाम आई लग दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, आप देखो फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि यहाँ पे x लिखा हुआ है, अब यहाँ पे x के लिए क्या लिख देंगे, हाँ जी x के लिए क्या लिख दिया, a प्लस बी माइनस एक्स, कहाँ पे फंक्शन में, ठीक है। तो बेटा ये रहा, ये रहा फंक्शन, फंक्शन में इस x को हटा के मैं क्या लिखूंगा, x को हटा के लिखने वाला हूं मैं π/6 π/3 - x, x को हटा के मैं ये लिखने वाला हूं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3। अभी मैंने ये नहीं बताया कि प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कैसे ट्रू है वो भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है, बट पहले क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना भाई। 5/6 से π/3, यहाँ पे साइन स्क्वायर, एक्स के लिए क्या लिख दूंगा, 5/6 प्लस π/3 - x, ठीक है। आपको याद कर लेना है कि ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये प्रॉपर्टी बोलता है x को हटा के a प्लस बी माइनस एक्स लिख रहा है, इतना सा रूल है बस, ठीक है, ओके। आप देख रहे हो मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है, तो सेम चीज मैंने यहाँ पे कर दी। इस प्रॉपर्टी नंबर 3 आप ब्रैकेट में यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख के दिखाते हो पूरा कि क्या प्रॉपर्टी यूज करिए, ठीक है। 1 मार्कर पे इस पे बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैंने प्री बोर्ड में दिया भी था एक क्वेश्चन, दिखाऊंगा मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, नया क्वेश्चन बनाया था मैंने खुद, हाँ जी देखना भाई। यहाँ पे क्या होगा, π/6, यहाँ पे π/sin, ये हो जाएगा, देखो भाई ये 30 है, सबको पता है ये 60 है, 30 + 60 = 90, ऐसे वैसे मेरे बैठ जाते हैं बच्चे, बट वैसे दिख रहा है ये 30 है, ये 60 है, मतलब 90 कितना हो गया, π/2 - x, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, और ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है ना, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ π/6, यहाँ पे क्या है साइन की जगह कॉस, साइन 90 में से कॉस एक्स हो गया, अब स्क्वायर लगाओ तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगे, और ये डीएक्स, ठीक है बेटा। दिस वाज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, दिस वाज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, ठीक है, ओके। आप क्या करेंगे भाई, दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने से बेनिफिट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बेचारा अकेला है, जब से cos square theta मिल जाता है तब बेचारा पूरा बन जाता है ना, वन sin square theta plus cos square theta वन होता है ना, कहीं ना कहीं ये incomplete था अपने आप में, है ना। अब क्या करेंगे बेटा, adding 1 and 2, ठीक है, हम यहाँ पे 1 और 2 को add कर देंगे, 1 में क्या है ध्यान से देखो, 2 में क्या है, जो भी है, i plus i कितना हो गया 2i, ठीक है, equals यहाँ पे इतना है, जो भी है आपको लिख देना है, ये है π/6 और ये है π/2, क्या लिखा था, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस π/6, यहाँ पे π/cos² x, ठीक है भाई। क्या हुआ, इंटीग्रेशन तो हम इकट्ठा ले सकते हैं ना, क्योंकि लिमिट्स तो सेम ही है, π/6 π/3, मैं इकट्ठा लिख दूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos² x, ठीक है भाई। होता क्या है, ये जो इंटीग्रल है एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अलग अलग पड़ा हुआ था, मैंने इकट्ठा कर दिया, क्यों किया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, सो दिस इज 2i इक्वल्स, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 1 dx, लिमिट्स जो भी हैं वो तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है बेटा। 1 की जगह
वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, लिमिट्स क्या है पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री, ठीक है सो टू आई बेटा x की जगह क्या डालेंगे अपर लिमिट डाल दिया, फिर लोअर लिमिट, तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट, ठीक है टू आई इक्वल्स टू जो भी है सब्ट्रैक्ट कर देना ही आ जाएगा, सो आई इक्वल्स टू पाई बाय ट्वेल्व, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। अच्छा बच्चा पूछते सर ये वाला मेथड कब लगाना है, ठीक है मैं आपको बताता हूँ कब लगाना है, जो एक्चुअली एक्चुअल इंटीग्रेशन दिया होता है उसमें आप इंटीग्रेंट पे ध्यान दें, पहला इनकम्प्लीट नजर आएगा, इसमें तो फिर भी नजर नहीं आ रहा इतना, और जो आगे क्वेश्चन दिखाओ उसमें साफ दिखेगा वो आधा पार्ट है, आधा पार्ट मिसिंग है, पर अगर आप ध्यान से देखें तो साइंस की और थीटा भी आधा पार्ट ही है, तो cos square theta मिसिंग है, दोनों का सम कर देंगे तो वन आ जाएगा, है ना ठीक है। दूसरा a और b का सम ज्यादातर 90 होता है, हमेशा नहीं पर बहुत बारी आपको देखने को ये मिलेगा a और b का सम 90 होगा, ठीक है। तो एक छोटी सी पहचान बताइए, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ये समझ में आ गया ओके बेटा, किसी को नोट करना है प्लीज नोट कर ले जल्दी से, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा ऐड क्यों किया, ऐड इसलिए किया है क्योंकि साइंस का थीटा अपने आप में इनकम्प्लीट था, उसको कॉस का थीटा की जरूरत है, है लेकिन मैं बोल रहा हूं वो तो नेक्स्ट स्टेप में निकल रहा है, निकल रहा है तो निकलने दे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बेचारा अकेला है ना, ये दोनों साथ में होने के लिए क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ना, हां इस प्रॉपर्टी को यूज, ठीक है तू बोल रहा है कि ऐड क्यों कर रहे हैं, साइंस का थीटा अलग अलग पड़ा हुआ है, हां हाँ निकल तो गया, अब ये अलग पड़ा है ये अलग पड़ा है, मुझे साथ चाहिए दोनों, क्या चाहिए मुझे साथ चाहिए ताकि साइंस का डेटा प्लस कॉस का डेटा बन जाए, ठीक है हाँ तू पढ़ा है लाजपत नगर में वो पढ़ा है कराट प्लेस में, तुम दोनों को साथ चाहिए, क्या करो मिलोगे ना कहीं कहीं ना कहीं, हाथ मिलाओगे नहीं मिलाओगे, ठीक है वो साइंस का डेटा कहीं और पढ़ा है कॉस का डेटा कहीं और पढ़ा है, मुझे तो चाहिए साइंस का डेटा प्लस कॉस का डेटा ताकि कंप्लीट बोल जाए, सिंपल सी बात है, ठीक है हो सकता है तो कुछ पूछा जा रहा हूँ और मैं समझ ना पा रहा हूँ तो क्या पूछ रहे हैं, अभी दूसरा क्वेश्चन देख और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ओके बेटा किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं अगला बेटा, इधर देखो पाई बाय सिक्स, मैंने यहाँ पाई बाय थ्री लिख दिया, रूट साइन एक्स ओवर रूट, हाँ हाँ बेटा दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है आप ध्यान से सोच इसमें क्या करना चाहिए, वैसे भी अभी एक ही प्रॉपर्टी पढ़ाई है, बाकी दो प्रॉपर्टी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, पहला इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल जिसमें हम किसी भी स्टेप में वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं, दूसरा लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे वहीं से बाहर आएगा, वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो नॉर्मल प्रॉपर्टी है, रहता ही करके कुछ भी नहीं होगा, इनफैक्ट अगर मैं इसका लिमिट हटा दूं तो लगे रहना सालों भर तो शायद निकलता है इसका इंटीग्रेशन सालों भर, ठीक है ओके, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको इसका इंटीग्रेशन बिना बिना लिमिट्स के, ठीक है हर फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता है, ठीक है हर फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता है, तो वह यहाँ पे लिमिट्स ही होगी, लिमिट्स क्या है पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री, इस क्वेश्चन को तो आप बिना प्रॉपर्टीज के कर ही नहीं सकते, पिछला क्वेश्चन तो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैं बिना प्रॉपर्टीज के भी आंसर ला सकता हूँ, क्योंकि साइंस में थीटा का इंटीग्रेशन आपको आता है, आपने थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था, ठीक है ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बेटा आप इसका बिना लिमिट के इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व कर सकते, लग जाना हो जाए तो मैं इसे इनाम ले जाना, ठीक है अच्छा मैं इनाम दूंगा अगर हो जाएगा, अरे बोलते ना बहुत अच्छा था, अरे होगा ही नहीं सॉल्वेबल ही नहीं है यार, अच्छा बात है नहीं, तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे इसको कैसे करेंगे, भाई मुझे ना ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट अभी नजर आ रहा है, कैसे ये अधूरा नजर आ रहा है मुझे, मैं बोल रहा हूँ अगर साथ में इसके ये भी मिल जाता तो मजा आ जाता, नहीं अगर ये इसके साथ ऐड हो जाए तो कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीट है बेचारा, ऊपर वाला नीचे रहेगा आधा, है ना ठीक है भाई ओके, बस एक आइडिया दे रहा हूँ मैं अभी आपको फिलहाल,
एलसीएम ले लेना ना बेटा, एलसीएम ले लोगे दोनों को ऐड करके, नीचे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऊपर भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, कट के क्या हो जाएगा वन। तो कहीं ना कहीं फिर से वही अधूरापन, ठीक है भाई ओके। अरे बात है नहीं, तो यहाँ पे दूसरा ए और बी का सम कितना है 90, ठीक है। और अब तीसरा प्रॉपर्टी भी पढ़ाई हुई है मैंने, और भी तो पढ़ाई नहीं है तो और भी तो लगाओगे नहीं ना, ठीक है। तो जो पढ़ाया वही लगाओ, आई नाम रख देश का रख दिया। इक्वेशन नंबर वन, बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी प्लीज अप्लाई द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स पुट करो, ठीक है प्लीज करें। अभी एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, इसी पे बंद मार्क दिया था मैंने अभी प्री बोर्ड में, बच्चे कुछ बच्चे कर पाए थे कुछ बच्चे नहीं कर पाए थे, बच्चों को लगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था दिखाऊंगा अभी। फंक्शन में जहां जहां एक्स है, ठीक है भाई, यहाँ पे फंक्शन में एक्स जहां जहां है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है, वहां वहां एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स पुट कर। बेटा ये डेफिनेट इंटीग्रल बहुत इजी है, बहुत मजेदार है, बस क्लास पूरी अटेंड करो समझ में आ जाएगा कितना इजी है, डिफिकल्ट है ही नहीं ये टॉपिक। बस बच्चों को कंफ्यूजन यही होता है कि कहां पे कौन सा लग गया समझ में नहीं आता, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कहां पे क्या लगता है। अरे एक्स की जगह देंगे आप वही पावर सिक्स प्लस पावर थ्री माइनस एक्स, कितना होगा पावर टू माइनस एक्स, एक से पहले लिखा देंगे क्योंकि जरूरत है भी नहीं। साइन फाइव बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस, अरे बातें नहीं बातें नहीं प्लीज बातें नहीं, ऊपर कॉस एक्स आ गया नीचे बेटा फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, कोई प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है भाई ध्यान देना भाई यहाँ पे। दिस इज नंबर टू, ऐड वन एंड टू, हाँ जी बेटा बोलो कोई डाउट है क्या, ऐड एडिंग वन एंड टू। अभी मैं दो तीन एग्जांपल कराऊंगा, हर तरह के क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसमें, तभी क्लियर क्लैरिटी आएगी आपको। एडिंग वन एंड टू क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू, क्वेश्चन इक्वेशन वन इक्वेशन टू ऐड कर दो, तो आई प्लस आई कितना आ गया यहाँ पे 2i, यहाँ पे कितना आ गया 5 बाय 6, यहाँ पे कितना है 5 बाय 3, एक में है रूट साइन एक्स ओवर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, बेटा दूसरे में क्या है रूट कॉस एक्स, हाँ यहाँ पे वही आ गया लकी नहीं। सुन लो भाई बेटा, वैसे यहाँ पे ये आया था कॉस एक्स और ये आया था साइन एक्स, अब ये मत बोलना सर रूट रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स को आपने रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स ऐसे लिख दिया, एक ही बात है ना, ठीक है भाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स सेम है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ठीक है ध्यान देना भाई आगे। बेटा जी प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें, ये पावर बाय सिक्स ये पावर बाय थ्री, क्या होगा यहाँ पे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऊपर भी क्या आ गया रूट साइन एक्स प्लस रूट कट गया, क्या आ गया वन, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है सबको पता है एक्स, एक्स की लिमिट क्या है यहाँ पे पाव थ्री से पाव है पाव सिक्स से पाव थ्री, ठीक है सबसे पहले अपर लिमिट डालते हैं डाल दिया, फिर लोअर लिमिट डाल दिया माइनस, कोई डाउट है क्या, हाँ एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं ध्यान देंगे जरा, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करूंगा मैं, ठीक है ओके। हाँ जी देखना भाई अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ टू टू थ्री रूट एक्स प्लस रूट फाइव माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, इसमें भी अधूरापन लग रहा है क्या, हाँ करो करो भाई, हाँ ऊपर रूट एक्स है ऊपर रूट फाइव माइनस एक्स भी चाहिए है ना, ऊपर प्लस में रूट फाइव माइनस एक्स भी चाहिए
ट्राई करो, अपने आप हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। आई नाम दिया करो, सॉल्व करा करो। अब ये क्वेश्चन ना बेटा ऐसे भी आ जाता है कई बार, बेटा ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, इस फॉर्मेट में भी आ जाता है, कोई फर्क नहीं है, करो अभी दी जाएगा आपको कि दोनों बराबर ही है। ठीक है भाई, आ गया हुआ सबका? अरे कोई ऐसा बच्चा है जिसको मुझे ये समझाना पड़ेगा क्वेश्चन? एनीवन हु जो चाहता है कि मैं समझाऊं, मुझे नहीं लगता समझाना चाहिए क्योंकि हो गया हुआ। हाँ अगर सच में किसी का नहीं हुआ है तो प्लीज बोले, मैं समझाता हूँ। सर एक बार बता दो सर, कौन बोल रहा है? संकल्प। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, देख। अरे कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये आपका नंबर वन है, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है बेटा जी, प्लीज बातें नहीं। अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें हमने ये सीखा है कि भाई एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एक्स की जगह टू प्लस थ्री माइनस एक्स क्या आएगा? फाइव माइनस एक्स। ठीक है, कुछ नहीं करना, जब भी डाउट हो आराम से क्वेश्चन को करो। एक्स की जगह फाइव माइनस एक्स, देखो जहां जहां एक्स लिखा हुआ बेटा मैं मार्क कर रहा हूं, वहां पर हटा के मैं 5 माइनस एक्स लिखने वाला हूं। ठीक है, एक्स की जगह 5 माइनस एक्स, यहां भी एक्स की जगह 5 माइनस एक्स। ठीक है गाइस, क्या होगा ध्यान देने रहा, आई इक्वल्स टू टू थ्री रूट ऑफ 5 माइनस एक्स बाय रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। खोल के देखो ना, 5 माइनस 5 प्लस एक्स क्या आ गया? रूट एक्स ही आ गया ना। संकल्प ठीक है बेटा यहां तक? संकल्प यस सर, यस सर। आगे क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, बोल ऐड वन एंड टू, तो ये रहा आई और ये रहा आई, क्या हो गया टू आई। ठीक है, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा किसको? ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा? ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, कट के क्या हो जाएगा? वन आ जाएगा। संकल्प बता, यहाँ पे रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस रूट फाइव माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है? रूट फाइव माइनस एक्स। इंटीग्रेशन मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि इंटीग्रेशन सेम है, सेम लिमिट्स भी हैं। ठीक है बेटा, संकल्प दिख रहा है बेटा? डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। यस सर, यस सर। तो एलसीएम ले लिया, कट के वन हो गया, एक स्टेप लिखा नहीं मैंने, यह आ गया वन। ठीक है, वन का इंटीग्रेशन क्या हुआ? एक्स। लिमिट्स क्या है? टू से थ्री। ठीक है, सो थ्री माइनस टू आ गया, वन आ गया, टू आई की वैल्यू वन आ गई, आई की वैल्यू वन बाई टू आ गई। ठीक है, कोई डाउट है? बोलो भाई। तो ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको मैं अभी दिखाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी में, आपको घर पे करें, और कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा मैं भी बेटा। क्वेश्चन नंबर वन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर टू करा दिया है, क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू भी ऐसे ही करेंगे। आप सोच रहे हैं यहाँ पे जीरो और पावर बाय टू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो प्लस पावर बाय टू क्या आ गया? पावर बाय टू आ गया। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उसके बाद रुक जाओ जरा, जिस ऑर्डर में लिख रहा हूँ उसी ऑर्डर में नोट करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ सेवनटींथ फिफ्टींथ। ठीक है, जिस ऑर्डर में बोलो उसी ऑर्डर में करोगे, सेवेंथ नाइन्थ नाइन्थ। ठीक है, तो पहले सेवनटीन जैसा क्वेश्चन मैंने दिख रहा है आपको, करा है? अब मैं ये एक क्वेश्चन और कराऊंगा, देखना भाई। बेटा प्रॉपर्टी नंबर थ्री देखी आपने, प्रॉपर्टी नंबर थ्री का ही एक और प्रॉपर्टी होता है, देखना भाई, हालांकि वो सेम ही प्रॉपर्टी है। नहीं नहीं, वाइट नहीं करूंगा बेटा, एक मिनट, बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं। इसी से एक प्रॉपर्टी और आई है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, देखो भाई, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, अगर मैं यही सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करूं
मतलब x की जगह लिखूंगा 0 प्लस a माइनस x, तो x की जगह क्या लिखूंगा a माइनस, तो सेम फॉर्मूला आप बस x की जगह a माइनस x लिख देंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सेम ही है, फर्क नहीं है। इनफैक्ट दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ प्रीवियस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आप इसमें यह वाली प्रॉपर्टी लगाओ या पिछली प्रॉपर्टी लगाओ, एक ही प्रॉपर्टी है, दोनों अलग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। यह आपका पिछली प्रॉपर्टी से है, P3 से ही आया है, ठीक है। तो जीरो से पावर टू हो तो भी आप वैसे ही करोगे, वैसे भी देखो दोनों का सम पावर टू है। क्वेश्चन देखना भी सब लोग, नोट कर लिया है सब नहीं है? नोट कर लिया है, ओके। क्वेश्चन देखना भाई, क्वेश्चन है sin x माइनस cos x, ठीक है। दो हजार में पेपर में आ सकता है क्वेश्चन बनाया आपके सामने, हाँ दो हजार इक्कीस। अरे आसान क्वेश्चन है यार, तुम लोग डरते बहुत हो। अरे बातें नहीं, कोई सी भी प्रॉपर्टी लगा दो, ए बी वाली या जीरो टू ए वाली, एक ही बात है ना। एक्स की जगह क्या डालोगे, जीरो प्लस पाई बाय टू माइनस एक्स, या अभी जो जस्ट प्रॉपर्टी भी बताई उसके उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स। बच्चे देख के घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, है ना, कि ये इतनी बड़ी पावर कहां से आ गई। अरे कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई तो करो, अपने आप हो जाएगा। अभी बनाया बेटा क्वेश्चन, सच में ढूंढ लेना किसी को, किसी किसी भी बुक में ढूंढ लेना, 2020 में किसी ने नहीं सोचा। अरे बातें नहीं रही, प्लीज बातें नहीं। सो गाइस कुछ नहीं करना, वही सेम फॉर्मूला, ठीक है बेटा। जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें ये था कि अगर जीरो टू ए है तो आप x की जगह a माइनस x डाल सकते हो, यही था ना। हाँ, हालांकि ये पिछली प्रॉपर्टी का एक स्पेशल केस है, बेटा एक मिनट सुन लो सब लोग। अगर लिमिट जीरो से a है तो आप x की जगह a माइनस x पुट कर सकते हो, ये समझाया ना मैंने अभी, ठीक है भाई। आप x की जगह a माइनस x रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ये थी बेटा, जीरो से a एफ एक्स डी एक्स, एक मिनट, जीरो से a, जीरो कंडीशन जीरो होता है बेटा। अब बैठ टू आई को जीरो आ गया क्या, पता है कैसी बात कर रहा है, आई जीरो, हाँ जीरो है, ठीक है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, प्रॉपर्टी ये रही, हालांकि ये पिछली प्रॉपर्टी ही है, पिछली प्रॉपर्टी भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्या करेंगे, आई नाम रख दो, आई नाम रख दो प्लीज, हाँ विल गिव इट अ नेम आई, ठीक है बेटा। एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई बाय टू माइनस एक्स से, बेटा देख लो कौन बोला है कैसे होगा, साइन की जगह साइन पाई बाय टू माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स बाय साइन की पावर टू जीरो टू वन एक्स प्लस, अच्छा एक्स नहीं आएगा बेटा, अब एक्स क्या आएगा, पाई बाय टू माइनस, बेटा प्लीज बात नहीं है, प्लीज बात नहीं, प्लस कॉस की पावर टू जीरो टू वन 90 माइनस एक्स। यार पावर की चिंता मत करो, करो पावर तो होल पावर होता है एक्चुअली, वो ये जो लिखा हुआ है होल पावर है, किसका होल पावर है, इसका बेटा इधर देख ले बेटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, इस पावर की चिंता मत करो, ये पावर तो होल पावर होता है, तो
तो कॉस 90 बाई सीटा साइन सीटा और साइन 90 बाई सीटा कॉस सीटा। आप देख सकते हो यहाँ पे साइन 90 बाई सीटा है कॉस सीटा बन जाएगा और ये कॉस 90 बाई सीटा है साइन सीटा बन जाएगा। तो घबराया मत करो, आसान सा है, जीरो से पाई बाय टू बेटा यहाँ पे साइन सीटा क्या बन गया कॉस सीटा, साइन 90 बाई सीटा कॉस सीटा बन गया, कॉस 90 बाई सीटा साइन सीटा बन गया। बेटा जी प्लीज बात नहीं, कॉस की बात 2021 एक्स प्लस साइन की बात 2021 एक्स। ठीक है भाई, क्या करेंगे, दिस इज नंबर वन। ठीक है, और बेटा ये आई इसके बराबर है ना, ये आता है ना, दिस इज नंबर, क्या करेंगे, एडिंग वन एंड टू, एड वन एंड टू, आई प्लस टू आई। ठीक है भाई, करके देखिए, एक ऊपर है साइन एक्स, दूसरे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर सेम है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि डिनोमिनेटर सेम रहता है ना, इसलिए हो भी पाता है ये क्वेश्चन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे डिनोमिनेटर क्या है, साइन की पावर 2021 एक्स प्लस कॉस की पावर 2021 एक्स। दूसरे में भी बेटा वही है ना, साइन प्लस कॉस की पावर, यहाँ पे उल्टा लिखा है, कॉस की पावर प्लस साइन की पावर, ए प्लस बी लिखो जाओ, बी प्लस ए लिखो, एक ही बात है ना, तो एलसीएम विल बी सेम। और दूसरे में क्या है, ऊपर क्या है, कॉस एक्स माइनस बेटा कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, काट के वन मत लिख देना, काट के वन मत लिख देना, एक दो बच्चों ने किया था ये काम, ऐसी गलती होती है, हंस रहे हो, तुम भी करोगे बेटा, तुम में से भी एक करेगा, कि क्या होगा यहाँ पे जीरो, अरे जीरो का इंटीजर क्या होता है, जीरो, फिर लिमिट कुछ भी हो जीरो ही रह गया। सो आसान क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है बेटा, इसी पे बेस एक क्वेश्चन अभी नहीं घर के लिए, तभी मैंने एग्जाम में आसान क्वेश्चन था, नहीं नहीं घर पे कर लेना, आसान है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा मैं, लास्ट क्वेश्चन देखना भाई, कुछ समझाना है मुझे उसमें, बेटा ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, ध्यान देना, मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ आपको बेटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, भूलना मत, है ना, एक्स की जगह ए माइनस एक्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी पीछे वाली प्रॉपर्टी से आया है, या वैसे ही कर लो, एक्स की जगह जीरो प्लस ए माइनस एक्स क्या आया अल्टीमेटली, ए माइनस एक्स, ध्यान भैया। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर इसकी जगह बेटा क्वेश्चन ये होता, सुनो भाई, रूट एक्स और यहाँ वन माइनस एक्स, तो आई थिंक आप आराम से इंटीग्रेट कर चुके होते, ये मैंने सब्टिट्यूशन में भी सिखाया था आपको, सब्टिट्यूशन मेथड में भी सिखाया था, सब्टिट्यूशन मेथड से नहीं कराया है क्वेश्चन ये मैंने, ठीक है, लेकिन हम इसे आज सब्टिट्यूशन मेथड से नहीं करेंगे, हम यूजिंग प्रॉपर्टीज करेंगे। मैं ये बोला अगर क्वेश्चन ये ऐसा है तो एक्स में ऑब्वियसली बात है इतना बड़ा सा मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर इसकी जगह रूट एक्स यहाँ पे है और ये वन माइनस एक्स है, तो रूट एक्स एक सिंगल टर्म है, रूट एक्स को वन से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स से भी कर देंगे, तो वो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा, एक्स पर हाफ, एक्स पर थ्री बाई टू, और फिर आप आराम से कर लेंगे, है ना, ओके, सच मान रहे हैं। तो अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं हुआ है, क्वेश्चन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिया हुआ, जो चाहिए, जो होना चाहिए वो तो वो नहीं मिला हुआ, कुछ और ही मिला हुआ है, डिफिकल्टी वो मिला पड़ा है ना। तो बेटा इस डिफिकल्टी को हम इस प्रॉपर्टी से दूर कर सकते हैं, कैसे, एस को हम 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अरे यार मैं बोल रहा हूँ हमें यूजिंग प्रॉपर्टी करना है, यूजिंग प्रॉपर्टी का फायदा ये बेटा, जो क्वेश्चन नॉर्मली हो जाते हैं वो तो हो ही जाते हैं, और जो क्वेश्चन नॉर्मली भी नहीं होते ना वो भी प्रॉपर्टी से हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी वैसे भी कई बार क्वेश्चन में लिखा आएगा यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व दिस,
फिर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा तो क्या हुआ, एक्स थ्री के वन माइनस एक्स पुट करेंगे, करो भाई, जहां जहां एक्स है वहां वहां x की जगह 1 माइनस एक्स पुट कर दो। अच्छा इस देखना भाई, पुट कर दिया, लिमिट्स तो वही रहेंगी, जीरो से 1 माइनस एक्स, रूट ऑफ क्या हो गया 1 माइनस 1 कट गया प्लस x, क्या आ गया रूट x, हमें जो चाहिए था वो बन गया, नहीं बन गया। अच्छा एक चीज और, अगर लिखा यूजिंग प्रॉपर्टी तो इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल यूज करके ही निकलेगा, यूज एक बार ही कर दिया मतलब यूज हो चुका है, अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा ऐड करने का फायदा नहीं होगा, प्लीज लिसन केयरफुली, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा इससे फायदा नहीं होगा, इससे और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम हमेशा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप यहाँ ऐड करोगे तो कॉम्प्लीफाई हो जाएगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और तो बेटर है आप ऐड ना करें। अब क्या है, सिंपली आप इसे इंटीग्रेट करेंगे बेटा, जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट पॉइंट था बस ये मेरा, 1 into root x, root x, ये एक काम करते हैं, इसका मतलब क्या है, root x का मतलब क्या होता है, root x का मतलब होता है x पर half, so 1 into x पर half कितना हो गया, x पर half, minus, x पर half into में यहाँ पे क्या है, x, मतलब क्या हो गया, x पर 1, तो x पर कितना हो गया, आगे इंटीग्रेट हो जाएगा, आगे हमें नॉर्मल इंटीग्रेशन ही करना है, लेकिन जब यूजिंग प्रॉपर्टी आएगा तो प्रॉपर्टी यूज करके दिखानी होगी, ठीक है। जल्दी से, वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, x की पावर 3 बाय 2 आ गया, ये 2/3, ये x पर 5 बाय 2 आ जाएगा, 2/5, हाँ जी, क्या है, 0 से 1, 0 से 1, आप पूरे में लगा दो 0 से 1, एक तरीका ये, इससे आसान तरीका आया था, मैंने याद है कुछ, इससे आसान तरीका क्या आया था, देखो भाई हर एक टर्म में इंडिविजुअल भी ला सकते हो, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल के, बताया था, जीरो से वन, ठीक है, ये भी ठीक है, पर मैंने हर एक टर्म में अलग लगा दिया, अब इसे पहले 1 पुट कर दो, फिर 0 पुट कर दो, फिर ऐसे ही यहाँ पे 1 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, हाँ जी, ठीक है भाई, कोई डाउट है मैं किसी बच्चे को, बेटा आज की क्लास में यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, होमवर्क मैंने दिया है, जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर याद दिला देता हूँ मैं, लिख लिए बेटा, दे सॉल्व फॉर टुडे, थैंक यू।